वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तेवर और राजनीति के लिए जाने जाते हैं। योगी ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद 21वें मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसके बाद उनकी राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ के कुछ सिद्धांत हैं जिन पर वो हमेशा चलते आए हैं। आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ हमेशा छोटे बाल और क्लीन शेव रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा छोटे बाल और क्लीन शेव में क्यों रहते हैं, इसके पीछे एक गहरी कहानी है। वैसे तो माना यह भी जाता है कि सिर पर बाल न होना नाथ संप्रदाय के योगियों की एक पहचान है, लेकिन योगी के सिर पर बाल न रखने की कहानी अलग है और ये उनके स्कूली दिनों से जुड़ी हुई है। योगी ने संन्यास से पहले ही सिर पर बाल न रखने का फैसला कर लिया था और इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई थी। योगी ने बताया था कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनके प्राइमरी टीचर सबसे पहले चेक करते थे कि बच्चे नहाकर स्कूल आए हैं या नहीं। टीचर बच्चों के नाखून और बाल छोटे रखने के लिए काफ़ी सख्ती करते थे। उसी समय उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने बाल कभी बड़े नहीं रखेंगे और आज भी बाल बढ़ते ही वो मुंडन करा लेते हैं। अब बारी आती है योगी आदित्यनाथ के गेरुआ वस्त्र की। ये केसरिया कपड़े नाथ संप्रदाय से जुड़े योगियों की एक खास पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गेरुआ कपड़े ही क्यों? आखिर गेरुआ रंग का मतलब क्या है? योगी परंपरा में गेरुआ रंग अग्नि का रूप माना जाता है और इस बात का प्रतीक भी है कि इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग कर योगी बन चुका है, इसीलिए योगी भगवा कपड़े पहनते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ के कानों में एक कुंडल भी देखा होगा। वैसे ये कुंडल सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, नाथ संप्रदाय से जुड़ा हर साधु पहनता है, जो वैराग्य का प्रतीक है। यानी इस कुंडल से ही पता चलता है कि कोई योगी किस संप्रदाय से जुड़ा है। कहते हैं जब कोई बच्चा योगी बनने की प्रक्रिया में होता है तो सबसे पहले उसके कानों में कुंडल डाले जाते हैं। अगर आप बाबा गोरखनाथ के चित्रों और प्रतिमाओं को देखेंगे तो यहाँ भी ये कुंडल साफ दिखाई देगा। आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी गले में काले ऊन के जनेऊ धारण करते हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।